Edification. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने कॉमन नाउन के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ कारणों से मैंने उसमें उसके जरूरी रूल्स को नहीं डाला। आज हम कॉमन नाउन्स के कुछ वैसे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर सीटेट या किसी एस्टेट के एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। तो हम देखें यहाँ पे रूल नंबर वन की अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में होता है। तो वहां पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कैसे एक दूसरे से अलग हैं, उन्हें कैसे पहचानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर नाउन भी कभी कभी कॉमन नाउन के रूप में जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो देखें पहला एग्जांपल, रोहित शर्मा इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ करेंट इंडियन क्रिकेट टीम। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में जो है प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं और वह कॉमन नाउन बन जाता है। तो सेंटेंस पे हम देखें तो रोहित शर्मा इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ करेंट इंडियन क्रिकेट टीम। रोहित शर्मा जो है वो आज के भारतीय क्रिकेट टीम के सचिन तेंदुलकर हैं। तो यानी यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सचिन रोहित शर्मा जो है वह अभी के भारतीय क्रिकेट टीम के सचिन तेंदुलकर हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि रोहित शर्मा जो है वो सचिन तेंदुलकर की तरह खेलते हैं, यानी सचिन तेंदुलकर के खेलने के गुण की तुलना जो है हम यहाँ रोहित शर्मा के खेलने के गुण से कर रहे हैं। और इसलिए जब हम किसी प्रॉपर नाउन के गुण की चर्चा जब करें तो वह क्या होगा, कॉमन नाउन कहा जाएगा। इसलिए प्रॉपर नाउन भी जो है वह कॉमन नाउन की तरह यूज होगा जब उसके साथ द लग जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल लें, कालिदास इज कॉल्ड द विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ फिर से वही बात है कि कालिदास जो है वह संस्कृत के कवि माने जाते हैं और वहीं विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के पोएट माने जाते हैं, इंग्लिश के जो है कवि माने जाते हैं। तो क्या हम कालिदास और विलियम शेक्सपियर की तुलना कर सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि कालिदास जो है वह शेक्सपियर है? तो नहीं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजी में कविता लिखकर प्रसिद्धि पाई है उसी तरह से कालिदास ने संस्कृत में श्लोक या कविता के माध्यम से प्रसिद्धि पाई है। इसलिए यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के गुण की तुलना कालिदास से की जा रही है, इसलिए जो है यहाँ पे ये कॉमन नाउन कहा जाएगा और यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आने पर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जो है कोशिश करूंगा कि फिर से समझाऊं। आगे हम बात करें, कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होता है, यानी कॉमन नाउन जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में भी काम करता है। जैसे हम कहें द जज इन अलगू इन्फ्लुएंसेस हिम टू जस्टिस इन फेवर ऑफ ट्रूथ। यानी जो द जज इन अलगू, यानी अलगू में जो जज करने का जो गुण है, जो न्याय करने का गुण है, यानी ये क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट है ये। तो हम कहें द जज इन अलगू, अलगू के अंदर का जज, यानी क्या अलगू कोई जज है? नहीं, उसके अंदर जज का गुण है, यानी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता रहा है। इन्फ्लुएंसेस हिम, उसे प्रभावित करता है टू जस्टिस, न्याय करने का, इन फेवर ऑफ ट्रूथ, सत्य के समर्थन में न्याय देने का। तो हम बात करें द जज इन अलगू इन्फ्लुएंसेस हिम
अलगू के अंडर का जज उन्हें प्रभावित करता है टू जस्टिस इन फेवर ऑफ ट्रूथ, सत्य के समर्थन में न्याय करने का। यानी ये क्या है, जज कॉमन नाउन तो है लेकिन कॉमन नहीं बल्कि यहाँ पे जज के गुण की हम बात कर रहे हैं तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है न कि कॉमन नाउन। आगे के रूल्स में हम देखते हैं कॉमन नाउन का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के रूप में होता है। द टीचर सेड टू अस, कॉमन नाउन का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के रूप में अर्थात एडजेक्टिव के रूप में, कॉमन नाउन एडजेक्टिव के रूप में वो भी सुपरलेटिव डिग्री के रूप में। द टीचर सेड टू अस, शिक्षक ने हम लोगों से कहा था क्या, सी देखो ही इज द स्टूडेंट इन अ रियल सेंस। ध्यान देने वाली बात, ही इज द स्टूडेंट इन ए रियल सेंस। शिक्षक ने हम लोगों से कहा देखो ही इज द स्टूडेंट, वह स्टूडेंट है इन ए रियल सेंस, कहने का अर्थ है कि वह जो है सच में स्टूडेंट है सही मायने में, क्योंकि उसमें स्टूडेंट जैसा गुण है, छात्र जैसा गुण है, वह कठिन परिश्रम करता है अपनी पढ़ाई में, कक्षा के सारे होमवर्क को पूरा करता है और फिर अपने पढ़ाई के लिए तत्पर रहता है। इसलिए शिक्षक ने कहा द टीचर सेड टू अस सी ही इज द स्टूडेंट, वह छात्र है इन अ रियल सेंस। तो यहाँ पे यह जो द और स्टूडेंट है वह सुपरलेटिव डिग्री के रूप में आया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, इसकी विशेषता बतला रहा है द स्टूडेंट, ही इज द स्टूडेंट इन अ रियल सेंस, वह सही मायने में छात्र है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं ही इज अ स्टूडेंट इन अ रियल सेंस, तो वहां पे जैसे ही हम ये लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ देखा कि कॉमन नाउन का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के भी रूप में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में और प्रोपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में होता है। इस तरह से